दोस्तों पफ पेस्ट्री बनाने के लिए हमें 2 कप के जितना मैदा चाहिए, जिसमें हम आधा छोटा चम्मच के जितना नमक ऐड करेंगे। इसमें 100 ग्राम्स ऑफ बटर भी यूज़ होगा, बट बाद में। आटे में अब हम 2 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और पानी की मदद से एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। पफ पेस्ट्री को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसका आलू पैटीज़ बना सकते हो, क्रीम रोल्स बना सकते हो, चिकन पैटीज़ बना सकते हो, पनीर पैटीज़ बना सकते हो। मल्टीपल यूसेज हैं, तो आप इसको इस तरीके से बना के 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। जब भी आपका बेक करने का मन हुआ तो आप उस टाइम पे बेक कर सकते हैं। सिर्फ इसको बनाने में थोड़ी मेहनत होती है और थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी अगर ये बना हुआ रखा है तो इसका बेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बना के रख सकते हो। ये हमने आटा अच्छे से लगा लिया, इसको हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स इसको एक बार वापस से गूंदिए, थोड़ा सा चिकना जब हो जाए तो उस टाइम पे आपको बटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए क्योंकि हमें स्प्रेड करना है। एक साफ सरफेस पे सूखा मैदा स्प्रिंकल करिए और ये डो को बेलना है आपको। आप जितना बड़ा बेल सकते हैं, शेप मैटर नहीं करता, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल ही बेलना है, कैसा भी बेलिए, बस बड़ा बेलिए। ये मैंने इतना बड़ा बेल लिया। अब जो हमने बटर 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसका एक हिस्सा हम इस तरीके से पूरे इस जो हमने पराठा बेला है इस पे अप्लाई कर देंगे। तो हमें 3 बार ये प्रोसेस करना है, इसीलिए मैंने बटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा और स्प्रिंकल कीजिए। इससे क्या होगा, लेयर्स खुल जाएंगी जब आप बेक करोगे, तो इसी की वजह से लेयर्स खुलती हैं। बस अब हम इसको एक किताब की तरह फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेट करना है। आपको इसको डीप फ्रीजर में नहीं डालना है, सिर्फ फ्रिज में डालना है, रेफ्रिजरेट करना है। फोल्ड करने के बाद फिर से मैंने एक बार बटर अप्लाई किया ऊपर वाले भी हिस्से पे और थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल किया। आप इसको क्लिंग रैप में या फिर बर्तन में रख के ढक के रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, खुला मत रखिएगा। 15 से 20 मिनट के लिए जाएगा फ्रिज में। उससे क्या होगा कि जो इसे हमने बटर अप्लाई किया है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो वापस से बेलने में दिक्कत नहीं होगी। वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। थोड़ा सूखा मैदा लगाइए, आप देख सकते हैं अब ये स्क्वायर शेप में आ रहा है। शुरुआत में हमने कोई सा भी शेप बेला था, बट अभी ये स्क्वायर शेप में आ रहा है और आपको स्क्वायर शेप में ही बेलने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ इससे बेक करोगे तो साइड वाली जो चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, तो आपका वेस्ट ज़्यादा ना हो, इस वजह से मैंने इसको स्क्वायर शेप में ही रखा है। वापस से मैंने दूसरा पोर्शन अप्लाई किया बटर का, थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल किया और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। फिर से बटर लगाइए और थोड़ा सा सूखा मैदा अप्लाई कीजिए और फोल्ड करके वापस से फ्रिज में ये जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए। ये मैंने तीसरी बार निकाला, यानी कि आखिरी बार। थोड़ा सा सूखा मैदा डालिए और बटर अगर हार्ड हो गया हो ज़्यादा तो इस तरीके से बेलन से प्रेस करके दबाइए ताकि ये अपने आप थोड़ा सा फैल जाए, फिर बेलना शुरू करिए। तो ये प्रोसेस रिपीट करने से दोस्तों हम इसमें बेसिकली लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए पफ पेस्ट्री में इतनी सारी लेयर्स होती हैं। ये हमने लास्ट पोर्शन अप्लाई कर दिया बटर का। बटर अप्लाई करने वाला काम दोस्तों हाथ से ही करिए, क्योंकि जितने अच्छे से हाथ से होगा उतने अच्छे से स्पून या फिर किसी भी ब्रश से उतने अच्छे से नहीं होगा। सूखा मैदा फिर से स्प्रिंकल कीजिए और इसको फोल्ड कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको बेक करना हो इससे कुछ भी, उस टाइम पे निकालिए, कट करिए, साइड की एजेस कट करिए, फिर बेक कीजिए अपने मन चाहे शेप में। आप इसमें फिलिंग भी डाल सकते हैं या फिर एज इट इज़ इसको खारी की तरह भी बेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की पफ पेस्ट्री की रेसिपी। इसको बेलने के बाद, साइड से कट करने के बाद आप इसकी लेयर्स अच्छे से देख सकते हैं, और जब हम इन्हें बेक करते हैं तो इसी वजह से इसकी एक एक लेयर खुल जाती है। मैंने आलू पैटीज बनाए थे इसी पफ पेस्ट्री का यूज़ करते हुए, इसका मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्यूमन करी का फेसबुक और इंस्टा पेज भी लाइक करें, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे फोटोज मैं डालती रहती हूँ फूड से रिलेटेड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।